Hi friends, welcome back to Civil Civilstap. This is the fourth lecture in previous year question series of environment module. तो so, आज हम start करेंगे अपने second chapter से, that is biodiversity and related concepts. तो so, friends हमने environment section को six chapters के अंदर divide कर रखा है और पहला chapter हमने already अपने पिछले three videos में cover कर लिया है. आज हम start करने वाले हैं नए chapter से, that is biodiversity. और जैसे कि आपको पता है दिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक हर साल इसमें से दो या तीन क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो जरूर ध्यान से सुने इन को और अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करेंट टू कवर दिस टॉपिक दैट इज दर्सिटी हमने इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है फर्स्ट विल बी बायोडाइवर्सिटी नीड एंड इट्स थ्रेट्स सेकंड वुड बी इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फोना एंड थर्ड वुड बी रिलेटेड टू कंजर्वेशन एफर्ट्स सो टूडे विल बी स्टार्टिंग विद विदोडाइवर्सिटी नीड्स एंड थ्रेट्स सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे

तो हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है सो फ्रेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो वट इज बायोडाइवर्सिटी उसकी मेजरमेंट कैसे होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स कैसे चेंज होते हैं क्या क्या फैक्टर्स बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक्चुअली बना है वर्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से तो हम इसकी कंडेंस फॉर्म यूज करते हैं अपनी जनरल रेफरेंस के लिए दैट इज बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है इट इज बेसिकली द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरिस्ट्रियल मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स तो यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएबिलिटी है किसी भी टाइप के हैबिटेट में चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो मरीन हो चाहे वो कोई भी एक्वाटिक हैबिटेट हो तो उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएबिलिटी है उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा इट विल बी वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीन्स सब कुछ जो भी वेरिएशंस आ रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उससे कंबाइन होकर बनती है बायोडाइवर्सिटी तो so फ्रेंड्स आपको पता है कि अर्थ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है आर अराउंड 1.75 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ और अभी भी ऐसी 14 मिलियन स्पीशीज हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया सबसे ज्यादा जो स्पीशीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं किसकी है इनवर्टिब्रेट्स की एनिमल्स के अंदर यानी एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन से है इनवर्टिब्रेट्स टोटल स्पीशीज किसके बहुत ज्यादा है 1.75 पॉइंट मिलियंस लेकिन उसमें से मैक्सिमम स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की है दैट इज अराउंड वन मिलियंस

फैक्टर्स पे वो फैक्टर्स क्या है वो फैक्टर्स है मेनली क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन ऑल्टीट्यूड जोग्राफी एंड कुछ जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी रेगुलेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को यानी कई बार क्या होता है कि कोई और स्पीशीज के प्रेजेंट होने पर ही वो दूसरी स्पीशीज सरवाइव कर सकती है सो so जो बायोटिक इंट्रैक्शन की वजह से भी स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे फर्क पड़ता है जो मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होती हैं जिनके पैटर्न्स हम डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी के रिलेशन से वो क्या-क्या है पहला फैक्टर है लैटिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है लैटिट्यूड की जैसे-जैसे लैटिट्यूड्स -जैसे बढ़ते हैं यानी लोअर लैटिट्यूड से जब हम हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है यानी पोल्स पे जो सबसे कम जहाँ पे पोल्स 90 डिग्री लैटिट्यूड पे सबसे कम डाइवर्सिटी होगी और जब हम ट्रॉपिक्स की बात कर रहे हैं इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो वहां पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है सेकेंड फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑल्टीट्यूड altitude. ऑल्टीट्यूड में क्या होता है लोअर ऑल्टीट्यूड यानी जब हाइट ज्यादा नहीं है माउंटेनस सर्फेस नहीं है उन ऑल्टीट्यूड पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा डाइवर्सिटी कम होगी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो टुंड्रा इकोसिस्टम है हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि टुंड्रा इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्यों क्योंकि उतने ऑल्टीट्यूड पे जो है बायोडाइवर्सिटी सरवाइव नहीं कर पा रही उसे राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नहीं मिल रहा है सन रेज नहीं मिल रही है तो इसके कारण जो है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है थर्ड पैटर्न जो हमने फाइंड आउट किया है जिसके ऊपर ये फैक्टर नहीं है बट एक पैटर्न काइंड ऑफ थिंग है तो जो साधर्न हेमिसफेयर है वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिसफेयर आपको पता होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज्यादा है सदर्न में कम है बट जो बायोडाइवर्सिटी है वो सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम है सो so जो 70% परसेंट वर्ल्ड की स्पीशीज है वो 12 कंट्रीज में है देयान ऑस्ट्रेलिया ब्राजील चाइना कोलंबिया क्वस्तिका ंगो इक्वेटर इंडिया इंडोनेशिया मैडिगैसकर मेक्सिको और पीरू इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो सदर्न हेमिसफेयर की है तो सदर्न हेमिसफेयर की जो स्पीशीज डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सो लेट एस नाउ फाइनली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी बायोडावर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स यानी बायोडावर्सिटी कहाँ पे ज्यादा होगी लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जैसे हम ट्रॉपिक्स से पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी अलॉन्ग दी माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडावर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर ऑल्टीट्यूड्स एज कम्पेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्यों अभी हमने पढ़ा था कि लोअर ऑल्टीट्यूड्स में क्योंकि आंसर वुड बी सी दैट इज बोथ वन एंड टू आर करेक्ट स्टेटमेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे दिस वॉज ऑफ इलेवन क्या है क्वेश्चन बायोडावर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेस फर्स्ट सॉइल फॉर्मेशन सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन थर्ड इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड फोर्थ इज पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट आंसर है ए वन टू एंड थ्री ओनली बी टू थ्री फोर ओनली सी वन एंड फोर ओनली एंड डी दैट इज ऑल ऑफ आर दी करेक्ट ऑप्शन तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या रोल प्ले करती है ह्यूमन के लिए और इको सिस्टम एज अ होल के लिए तो लेट्स सी वॉट इज द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अस तो देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की मेन सर्विसेज इसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है फर्स्ट सेट ऑफ द सर्विसेज इज इको दे रही है इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में उसकी फंक्शनिंग में तो वो क्या क्या है फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज सेकेंड इज सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन थर्ड इज न्यूट्रीन साइक्लिंग फोर्थ इज पोल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्शन फिफ्थ इज क्लाइमेट स्टेबिलिटी सिक्स इज रिलेटेड टू वेस्ट डीकम्पोजिशन एंड फाइनली Like like जिकल सर्विसनिजम्स को प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ फूड वाटर शेल्टर तो जो भी हमें नीड प्रोवाइड कर रहा है बायोडाइवर्सिटीज रिसोर्स के टर्म में उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल सर्विसेस इसके एग्जाम्पल क्या है कॉमन फूड शेल्टर मेडिसिन ब्रीडिंग स्टॉक्स पॉपुलेशन रिजर्वयर्स डायवर्सिटी इन जीन्स स्पीशीज ये सब क्या है बायोलॉजिकल सर्विसेज दर्ड सेट ऑफ सर्विसेज जो हमें बायोडाइवर्सिटी देता है वो है सोशल सर्विसेज यानी जो ह्यूम के डेवलपमेंट में काम करती है वो सर्विसेज इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती है इसमें इंक्लूड होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशनल बेस्ड सर्विसेज रिक्रिएशन एंड टूरिज्म तो आपको पता है कि बहुत वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत फेमस है बहुत सारी सफारी प्लांट होती है सफारी पार्क में तो ये क्या होता है रिक्रिएशनल सर्विसेज जो बायोडावर्सिटी देती है एंड दी थर्ड सेट ऑफ सर्विसेज इज कल्चरल वैल्यूज फॉर एक्साम्पल बहुत सारी ऐसी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज है जिनको लोग वर्शिप करते हैं आपको पता होगा कि हिंदूज में पीपल इज वन ऑफ द मोस्ट वर्शिप ट्री करेक्ट ऑप्शन बिकॉज सॉइल अगर नहीं होगा तो हमें क्रॉप नहीं मिलेंगे हमें फूड नहीं मिलेगा हैबिटेट नहीं प्रॉपर मिल पाएगा तो दिस इज दी राइट ऑप्शन सेकेंड सर्विस जो यहाँ पे दी गई है वो क्या है प्रिवेंशन ऑफ सॉइलोजन तो यह भी सही है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी सॉइल को uh, के रखती है, तो ये इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए थर्ड क्या है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट ये भी हमने पढ़ा था कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट है वो भी बायोडावर्सिटी का इंपॉर्टेंट सर्वाइवल फंक्शन है फोर्थ सेट ऑफ सर्विसेज क्या है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स तो यस yes,

तो यहाँ पे क्योंकि इनवेसिव स्पीशीज आ गई है तो यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई है fourth is, it has less human interference. तो fourth reason क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है तो डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि स्पीशीज डायवर्सिटी क्या है हम बेसिकली डाइवर्सिटी को किन टर्म्स में मेजर करते हैं चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होना तो सबसे पहले स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो है वो एक सब लेवल है बायोडाइवर्सिटी का बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल्स होते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी स्पीशीज डायवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जेनेटिक डायवर्सिटी वो डायवर्सिटी है जो कि टोटल जेनेटिक मेकअप डिफाइन करती है एक स्पीशीज के अंदर फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस हैं उनमें बहुत तरीके के जीन वेरिएशंस होते हैं जैसे कि चाइनीज़ होते हैं उनकी जीन्स के कारण उनके जनरली शॉर्ट हाइट होती है लेकिन अगर हम अमेरिकंस या Africans की बात करें उनकी हाइट ज्यादा होती है सिमिलरली उनके हेयर कलर उनकी बॉडी अपीयरेंस जो होती है वो उनके जेनेटिक मेकअप से होती है जैसे इंडियंस अगर अमेरिका में जाएं तो हो सकते हैं वो उन्हें कुछ नए डिजीजेस फेस करने पड़े ऑन द कॉन्ट्री अगर अमेरिकन ट्रॉपिकल कंट्रीज में आते हैं तो उनको भी कुछ नए डिजीजेस फेस करने पड़ सकते हैं ये होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी सेकेंड क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी एक रीजन में बताती है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं। uh, uh, या रीजन यानी एक रीजन में एक स्पीशीज की पॉपुलेशन के कंपेरिजन में टोटल पॉपुलेशन जो है सब स्पीशीज के मिला के उसका रेशो क्या है अगर वो रेशो अराउंड जीरो है तो वहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है या डाइवर्सिटी है अगर वो नंबर वन है तो वहां पे एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है और वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत कम है अगर हम ओवरऑल अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी है एनिमल्स की उसमें भी जो 70 है उसमें एनिमल्स के अंदर वो क्या है इंसेक्ट्स सो स्पीशीज डाइवर्सिटी ये होती है नाउ दर्ड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी

जब भी हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे तो वो हम मेनली दो तरीके से करेंगे इट इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज 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 रिचनेस या हम यहाँ पे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस जो होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी की टर्म्स में होता है ना कि जेनेटिक डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की टर्म में तो स्पीशीज रिचनेस क्या है स्पीशीज रिचनेस इज बेसिकली नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ कम्युनिटी या इन अ रीजन यानी एक रीजन में कितनी स्पीशीज है वो बताती है स्पीशीज रिचनेस को

फर्दर जो है जो स्पीशीज रिचनेस है वो तीन तरीके से मेजर की जाती है वो क्या है अल्फा डायवर्सिटी बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी तो अभी हमने पढ़ा था कि स्पीशीज रिचनेस को मेजर करने के तीन तरीके हैं क्या क्या है अल्फा डायवर्सिटी बीटा डायवर्सिटी और गामा डायवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है जो डाइवर्सिटी है एक रीजन में नंबर ऑफ स्पीशीज की यानी जब हम एक हैबिटेट या एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उसके अंदर कितनी स्पीशीज है वो होती है अल्फा डाइवर्सिटी इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन हैबिटेड दिए गए हैं साइट ए साइट बी साइट सी तो साइट ए में अल्फा डाइवर्सिटी क्या है सेवन साइट बी में फाइव साइट सी में सेवन तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी की बात करें कहाँ पे है ए और सी में दूसरी हम बात करते हैं बीटा डाइवर्सिटी बीटा डाइवर्सिटी होता है कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन टू इकोसिस्टम्स इकोसिस्टम्स यानी जब हम दो को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उन दोनों में डिफरेंट स्पीशीज कितनी है तो ए में हमने देखा कि सेवन स्पीशीज थी और बी में फाइव स्पीशीज थी लेकिन इन दोनों में दो ऐसी स्पीशीज थी जो कॉमन थी तो ए और बी का कंपेरिजन करें तो इनकी स्पी, बीटा डाइवर्सिटी क्या है ए एट और बी और सी को कंपेयर करें तो फोर सिमिलरली ए और सी को कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो है एक हैबिटाइट को दूसरे से कर रहे हैं और देख रहे हैं उनमें स्पीशीज कैसे चेंज कर रही है फाइनली जो थर्ड सेट ऑफ डाइवर्सिटी डेट इज दामा डाइवर्सिटी गामा डायवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम ओवरऑल डायवर्सिटी लेते हैं उसमें जितने भी एक इको में हैबिटैट्स है उन सब मिला के जो जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है

इंडिया क्यों मेगा डाइवर्स है इंडिया इसलिए मेगा डाइवर्स है क्योंकि उसका जो एरिया है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्पीशीज इट कैन सर्वाइव और जो उसपे कर करी है इट कैरीज जस्ट टू पॉइंट फोर एरिया बट सपोर्ट अराउंड सेवन परसेंट ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज प्लस वहाँ पे जो फॉरेस्ट यहाँ के यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी बहुत ज्यादा है अराउंड ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ इंडिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज्यादा है तो इसलिए क्या है एक मेगा डाइवर्स कंट्री अब जो स्पीशीज रिचनेस हमने पहले देखी थी कि इट इज कैलकुलेटेड इन द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट इज अवेलेबल इन अ कंट्री तो वो जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही समटाइम्स टफ हो जाती हैं तो इसलिए हम एक अप्रोक्सिमेट स्टडीज यूज करते हैं अप्रोक्सिमेट वर्जन यूज करते हैं स्पीशीज रिचनेस को कैलकुलेट करने के होते हैं वो क्या होते हैं वो टर्म्स होती है रेम्स बायोम या बायोग्राफिक जो सो लेटेस सी वॉट दीज टर्म्स मीन सबसे पहले बात करते हैं रेल क्या होता है रेल एक ऐसा लार्ज एरिया है यानी एक ऐसी स्पेशल टर्म है जहां पे कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनें की साइज की जहां पे जो फ्लोरा एंड फोना है उनके सिमिलर फीचर्स है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी यानी वो उनको यूनिफाई कौन कर रहा है उनकी ज्योग्रफी तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें वहां पे एट मेन रेल्स हैं कौन कौन से हैं नियाक्टिक पेलियाक्टिक ओशियाना न्यूट्रॉपिकल एफ्रोट्रॉपिकल इंडलायन ऑस्ट्रेलेशिया और एंटार्क्टिक तो ये है वर्ल्ड की एट मेन रेड्स तो अगर हम किसी भी रीजन को बायोडाइवर्सिकली रिच कहना चाहेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि अगर वहां पे रिल्म बहुत ज्यादा है वहां पे इंटरसेक्शन ऑफ रिल्स हो रहा है जैसे कि यहाँ इस एरिया में या इस रीजन में तो वो क्या होंगी बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू रेल्स फर्स्ट ंड हिमालयन रीजन कम्स अंडर एंड सेकंड रीजन ऑफ इंडिया मेनलैंड इंडिया दैट कम्स अंडर इंडो मलायन रेलम तो इंडिया के अंदर दो रेल्स हैं इसलिए इंडिया जो होगी बायोडाइवर्सिटी रिच होगी सेकंड टर्म जो हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो क्या होती है बायोम्स बायोम्स क्या है बायोम्स इज इज अ टर्म्स दैट मेनली अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ एरिया विद सर्टेन क्लाइमेट पैटर्न्स यानी यहां पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको यूनिफाई कौन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्लाइमेट तो अगर एक जगह का क्लाइमेट सिमिलर है तो वहां की वेजिटेशन है वहां का जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो भी सिमिलर टाइप की होगी तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है सेकंड क्या हो सकता है, है वेजिटेशन बहुत कम होती है या टाइगा हो सकता है माउंटेन हो सकता है डेसिड्यूस हो सकता है रेन फॉरेस्ट हो सकता है या ये जो भी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है या ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इंडिया की बात करें इंडिया में मेनली फाइव

सो नाउ जी थर्ड टर्म जो हम यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी मेजर करने के लिए वो क्या है वो है बायोग्राफिक जोन बायजोग्राफिक वो टर्म्स हैं जो कि प्लानिंग का भी हमारी बेसिस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए यानी नेशनल पार्क डिफाइन करने के लिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या बेसिस यूज करते हैं बायोजोग्राफिक जोन्स तो ये जो क्या है ये जोन है वो रीजन जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती है यानी एक रीजन जहां के प्लांट्स और एनिमल्स की सिमिलर या शेयर हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ऐसी वन ऑन वन बेसिस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे बायोजोग्राफिक जोन इंडिया में ऐसे टेन बायोजोग्राफिक जोन हैं फर्दर ये बायोजोग्राफिक जोन कुछ प्रोविंस में डिवाइड किए गए हैं ताकि हम की स्टडीज आसानी से कर सके क्लासिफिकेशन और आसानी से हो सके इंडिया की ये टोटल इंडिया में ऐसे ट्वेंटी फाइव प्रोविंस है और टेन बायोग्राफिक जोन है क्या क्या है बायोजोग्राफिक जोन फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय ये इसके अंदर कौन सा पार्ट आता है इसके अंदर पार्ट आता है लद्दाख रीजन जो कि जम्मू कश्मीर का पार्ट है या फिर स्पिति रीजन ऑफ हिमाचल तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 5.7 ऑफ लैंड मास सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन जो रीजन है वो है हिमालयस का हिमालयस का जो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है हिमालयस का उससे हम कहते हैं हिमालयन रीजन या हिमालयन बायोजोग्राफिक जोन ये है इंडिया का सेवन पॉइंट टू परसेंट लैंडमार्क थर्ड ज़ोन जो है वो है डेजर्ट रीजन दिस ऑफ़ द एरिड अरावली हिल रीजन दैट लाइज इन सॉल्टी डेज़र्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. फोर्थ रीजन कौन सा है सेमी एरिड रीजन सेमी एरिड रीजन कौन सा हैफिकल जोन है अगर हम इंडिया की बात करें दिस कवर्स अराउंड 15.6% ऑफ लैंड मास

जगह देती है पनपने के लिए लाइक like, गेंजेटिक डॉल्फिन गेंजेटिक फिशेज तो ये जो है बहुत ही बायोडावर्सिकली रिच रीजन है एट्थ रीजन जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दैट इज दैट कंप्राइज़ेस ऑफ हिमालयन रेंज एंड पूर्वांचल हिल्स तो दिस कंप्राइज़ेस अबाउट 5.2 परसेंट ऑफ द लैंडमार्क

अब जो दो और इम्पोर्टेंट टर्म्स हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो है एक्सोटिक स्पीशीज और इन्वेसिव स्पीशीज सबसे पहले एक्सोटिक स्पीशीज एक्सोटिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसी इन्वायरमेंट में जब कोई किसी इन्वायरमेंट में कोई स्पीशीज बाहर से इंट्रोड्यूस की जाए ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ड्यू टू एक्सीडेंटल नेचर या किसी भी रीजन से जो वो बाहर से आए स्पीशीज तो उसे कहेंगे एक्सोटिक स्पीशीज

तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है ऐसा इसलिए बिकॉज रेनफॉल जो है वो हमेशा स्पीशीज डाइवर्सिटी को इंक्रीज नहीं करता ये डिस्ट्रीब्यूशन को जरूर गवर्न करता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई, जहा, कोई जहां कोई जगह है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा है वहां पे डाइवर्सिटी हमेशा ज्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिमालय में इंक्लूड होते हैं लद्दाख रीजन भी लेह लद्दाख रीजन भी वो भी ट्रांस ट्रांसबैलेंस का पार्ट है लेकिन वहां रेनफॉल ज्यादा नहीं है बट फिर भी वहां पे यूनिक स्पीशीज हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कहीं भी रेनफॉल ज्यादा हो तो वहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो सो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट सेकंड इज इट इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल ज़ोन्स तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है वो किन चीजों में किस चीजों में मेजर की जाती है वो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ रिम्स इन टर्म्स ऑफ प्रोविंसेस इन टर्म्स ऑफ बायोजियोग्राफिकल ज़ोन्स इन टर्म्स ऑफ बायोम्स तो ये थोड़ा बेटर ऑप्शन है क्यों क्योंकि यहाँ पे हिमालय में हमें पता है कि बहुत तरीके के बायोग्राफिकल जोन्स होते हैं ट्रांस हिमालय रीजन नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज वेस्टर्न हिमालय तो ये क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बायोम्स हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जोन हैं तो इसलिए यहाँ पे स्पीशीज डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है सो दिस इज दिस सीम्स टू बी द मोस्ट दिसरोट लेटेस्ट चेक फॉर द अदर ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है एक्सॉटिक एंड इन्वेसिव स्पीशीज है तो फ्रेंड्स एग्जोटिक या इन्वेसिव स्पीशीज के इंट्रोडक्शन से जरूरी नहीं है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी हमेशा बढ़ी ही रहे हो सकता है क्योंकि स्पीशीज अगर हम कोई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग हो सकता है उसकी स्पीशीज बढ़े भी तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए ये एक अच्छी टर्म नहीं है इन्वेसिव स्पीशीज तो इन्वेस्टिव स्पीशीज से हो भी सकता है स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़े हो भी सकता है कि ना भी बढ़े तो ये एक उनकी एबसेंस या प्रेजेंस हमेशा गवर्न नहीं करता स्पीशीज डाइवर्सिटी को ये एक फैक्टर जरूर हो सकता

तो लेट्स टेक फोर्थ ऑप्शन इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस तो अब ह्यूमन इंटरफेरेंस का और स्पीशीज डाइवर्सिटी का बहुत कम लिंक है ह्यूमंस जो है वो स्पीशीज को एज अ स्पीशीज डिस्ट्रक्शन के लिए जरूर रिस्पांसिबल है लेकिन हो भी सकता है कि किसी रीजन में जहां भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो वहां पे हो सकता है ओरिजिनली वहां पे स्पीशीज एग्जिस्ट ना करे फॉर एग्जांपल एरियाज लाइक वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है बट फिर भी वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं है तो एब्सेंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस डज नॉट ऑलवेज नेसेसरी लीड्स टू स्पीशीज डाइवर्सिटी तो ये भी इसलिए एक एप्रोप्रिएट रीजन नहीं है प्लस आपको ये भी पता है कि आजकल हिमालय में ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ रहा है तो हमें इस एंगल से तो कहना चाहिए कि वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो रही है

नाउ इनको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था ऐसे एरियाज को वो किया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में फर्दर ये लिस्ट जो थी 25 हॉटस्पॉट्स हॉटस्पॉट्स की अब ये रिवाइज होके 34 ऐसे हो चुके हैं इन्हें कौन आइडेंटिफाई करता है अब अब इन्हें आइडेंटिफाई करती है एक एनजीओ जो की कंजर्वेशन इंटरनेशनल तो ये जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है ये कॉन्टीन्यूसली वर्क करती है ताकि ये इस रीजन को कंजर्व कर सके इन जगहों की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके कर रख सके प्रॉस्पर कर सके प्लस और भी कोई अगर ऐसा रीजन है जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही यूनिक है बहुत ही है, उन्हें भी आइडेंटिफाई करती है सो so, जब ये कि यहाँ पेड्रेड स्पीशीज ऑफ वेस्क्यूलर प्लांट्स इंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए यानी 1500 का नंबर जो है, वो कैसे आया है वर्ल्ड टोटल स्पीशीज और सेकेंड चीज ये है कि एटलीस्ट सेवेंटी परसेंट का जो यहाँ का नेचुरल हैबिटेट है नेटिव हैबिटेट है वो लॉस हो गया है यानी यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वो लॉस होती जा रही है वो थ्रेटेड है सो so ये दो क्राइटेरियाज मेनली यूज होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को नाउ जो हमने अभी टर्म पढ़ी थी इंपॉर्टेंट वो थी इंडेमिक स्पीशीज तो आपने देखा कि इंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो कि उसी जोग्राफिकल रीजन में पाई जाती हैं और कहीं नहीं इंपॉर्टेंट जो इंडेमिक स्पीशीज है वो कौन कौन सी है अगर इंडिया की बात करें वो है एशियाटिक लॉइन ऑफ गिर फॉरेस्ट संगाई डेयर इन लोकटक लेक ऑफ मणिपुर लाइन टेल मेकॉक इन वेस्टर्न घाट एंड कश्मीरी ऑफ कश्मीर तो ये इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट एंडेमिक स्पीशीज है ये जो इंडेमिक स्पीशीज है वो आइडेंटिफाई हम किस बेसिस पे करते हैं जनरली ये उसी जगह पे डेवलप होती है और कहीं नहीं क्यों क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही यूनिक है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो जो एरिया है वो बाकी एरिया से अलग हो गया है आइसोलेट हो गया है उसकी कंडीशन अब बिल्कुल यूनिक है जो कि और कहीं नहीं पाई जाती तो और ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा है वो है हवाई आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका यानी केप प्रोविंस जो है यहाँ पे 90% परसेंट जो स्पीशीज हैं वो मोस्टली इंडेमिक है नाउ अब देख लेते हैं कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है इंडिया के चार मेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है सबसे पहला जो है, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है ईस्टर्न हिमालयस सेकेंड कौन सा है जो ये इंडो बामा रीजन आप देख रहे हैं ये है इंडिया का सेकेंड हॉटस्पॉट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थर्ड जो इंडिया हॉटस्पॉट रीजन है, वो है region, जो, जो है इंडिया का हॉटस्पॉट रीजन वो है सुन्डा लैंड के साथ आता है ये है अंडामान एंड निकोबर आइलैंड तो ये चार जो है मेन इंडिया के हॉटस्पॉट रीजन है नाउ अब इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार ईस्टर्न हिमालयस ईस्टर्न हिमालयस वो रीजन थे उसके अंदर कौन-कौन आता था उसके अंदर आते थे बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स ऑफ इंडिया और उसके अंदर कौन-कौन से आते हैं अगर हम बात करें वर्ल्ड की उसके अंदर थोड़ा बात भूटान का भी आता है थोड़ा बहुत पहाड़ नेपाल का भी आता है तो ये जो है ये बेसिकली क्लासिफाई करते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजंस को यहाँ की यूनिक बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 163 ग्लोबली थ्रेटन स्पीशीज हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वन हॉर्न राइनो जो कि असम में बहुत कॉमन है वाइल्ड एशियन वाटर बर्फलो हिमालयन ताहर पिग्मी हॉक एशियाटिक वाइल्ड वाइल्ड डॉग स्लॉथ बियर स्नो लेपर्ड ब्लैक बियर ब्लू शीप गेंजेटिक डॉल्फिन तो ये यह यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ईस्टर्न हिमालयस में कौन कौन सी स्पीशीज हैं सेकेंड हॉटस्पॉट वॉज इंडोबर्मा रीजन तो इसमें हमने क्या करा था इसमें हमने इंक्लूड किया था बांग्लादेश और मलेशिया के पार्ट वाला जो इंडिया था थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी जो ईस्टर्न हिमालय के नीचे वाला रीजन था जो कि अरुणाचल या सिक्किम के अलावा जो इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बच गया है जो कि आसाम मणिपुर मेघालय ये वाला जो रीजन है त्रिपुरा वाला इसे हम कहते हैं इंडो बर्मा रीजन का पार्ट तो इसमें कौन कौन सी यूनिक स्पीशीज है इसमें मेनली फ्रेश वाटर टर्टल्स प्लस वाइल्ड वाइट अर्न नाइट हिरोन ग्रे क्राउन क्रोशियस ऑरेंज नेट पैट्रिज तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं थर्ड रीजन जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था वो था वेस्टर्न घाट्स तो वेस्टर्न घाट्स को हम एक और नाम से जानते हैं वो है सयादरी हिल्स यहाँ का जो इम्पोर्टेंट uh, कुछ बायोडाइवर्सिटी के लिए जो आपको पता होनी चाहिए स्पीशीज वो क्या क्या है वो है एशियन एलिफेंट नीलगिरी ताहर टाइगर्स लाइन टेल मेकॉक तो ये यह यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज है फोर्थ हमने जो पढ़ा था वो था सुंडा रीजन uh, सुंडा लैंड रीजन का पार्ट दैट इज एंड निकोबार आइलैंड्स तो इसमें कौन कौन से डायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज जो यहाँ की बायोडावर्सिटी के बारे में इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ की वेजिटेशन तो यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके की वेजिटेशन मिलती है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होते हैं उसके अलावा डेसीडिवर्स फॉरेस्ट भी है सब माउंटेन फॉरेस्ट भी हैं मैनग्रोव भी हैं लिटरल फॉरेस्ट भी हैं तो यहाँ की वेजिटेशन सबसे पहले बहुत ज्यादा यूनिक है सेकेंड जो यहाँ का फोना है वो भी बहुत यूनिक है कैसे यहाँ पे जो मैमल्स मिलते हैं वो जनरली और कहीं नहीं मिलते जैसे कि अंडामानिक स्पीशीज होती है मोस्टली वो तो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है सी सी काव या डिगोंग मिलता है उसके अलावा यहाँ पे बहुत यूनिक टाइप की बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स मिलती है रिसेंटली एक नई टाइप की बटरफ्लाई भी यहाँ पे डिस्कवर की गई थी

तो अगर हम कंजर्व कर लेंगे तो हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ जो अंडर लाइफ है उनको कंजर्व कर लेंगे तो इंडिया में रिसेंटली दो hope, uh, hope को आइडेंटिफाई किया है वो कौन से है निकोबार रीजन एंड इंडिया के दो होपस्पॉट रीजन है वर्ल्ड में इसके अलावा और भी होपस्पॉट रीजन है बट इंडिया में ये अभी रिसेंटली दो आइडेंटिफाई हुए थे so friends, अब आपको पता है तो लेट अस नाउ फाइनली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन

तो सबसे पहली चीज जो आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लॉस अभी स्टार्ट हुआ है या सिर्फ ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए ये पहले भी होती आई है Earth का जो टाइम है 4.5 के around, उसमें five major अभी तक हो चुकी है है ये जो है हमारे लिए इसलिए क्योंकि अब जो रेट ऑफ एक्सटेंशन है वो पहले की एक्सटेंशन से बहुत ज्यादा है तो रिसेंटली एक आईयूसी का डेटा आया था कि जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट फाइव हंड्रेड स्पीशीज हैव एक्सटेंटेड और डेली जो जो है से जो है से टाइम्स ये रेट पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये हमारे लिए एक वरी का इश्यू है तो इसके ह्यूमन जो इंट्रैक्शन से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है उसके क्या क्या रीजन है सबसे पहला मेन रीजन है हैबिटेट है लॉस एंड हैटेशन ये कैसे प्रमोट करता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इसका मेन रीजन है कि जैसे जो लैंड होती है वो जो हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट है वो ही अगर स्पीशीज का नहीं रहेगा तो वो अपनी नीड्स नहीं फुलफिल करेगा इसके कारण क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन सब ऑफ लैंड अंडर वाटर लाइक बाई डैम कंस्ट्रक्शन या फिर फ्लडिंग तो ये क्या होते हैं हैबिटेट लॉस के रीजन और इससे क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस सेकेंड मेजर रीजन क्या है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो क्योंकि अब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है उनकी नीड्स बहुत बढ़ गई है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए हैं तो उनकी रिसोर्सेज की नीड्स बढ़ गई हैं इसलिए जो पहले जो रिसोर्सेज बहुत ही मिनिमम यूटिलाइजेशन हो रही थी जो हमें लैंड चाहिए थी वो बहुत कम थे हमारे फूड की नीड बहुत कम थी वाटर की नीड्स बहुत कम थी तो वो अब कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है इसलिए हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है थर्ड रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टिव स्पीशीज तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि किसी और इन्वेसिव स्पीशीज की इंट्रोडक्शन की बाहर की स्पीशीज के आने स्पीशीज के आने की वजह से जो नेटिव स्पीशीज हैं वो अपने एनवायरनमेंट में थ्रेटन हो जाती हैं कैसे क्योंकि ये जो इन्वेसिव स्पीशीज हैं ये सारी रिसोर्सेज को अपने अपनी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर लेती है और क्योंकि इनका नेचुरल प्रिडेटर भी इस रीजन में नहीं होता तो इन्हीं का नंबर प्रॉस्पर करता है और जो नेटिव स्पीशीज है उनके लिए ये थ्रेटनिंग का इश्यू इसलिए है क्योंकि अब उन्हें अप्रोप्रिएट अमाउंट में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है फोर्थ रीजन क्या है कोएक्सटेंशंस इसमें क्या होता है कि जब कोई एक स्पीशीज एक्सटेंड होती है तो जैसे कि अगर वो कीस्टोन स्पीशीज है वो उससे रिलेटेड और भी स्पीशीज जो है फूड चेन में वो भी एक्सटेंड हो जाती हैं क्युं? क्यों क्योंकि जो वो स्पीशीज है वो किसी का फूड हो सकता है वो पोलिनेशन का एक जरिया हो सकता है ग्रोथ का एक जरिया हो सकता है तो अगर वो स्पीशीज एक्सटेंट होती है तो उससे उसके ऊपर डिपेंडेंट जो बाकी स्पीशीज है वो भी थ्रेटेड या एक्सटेंट हो जाएंगी तो ये भी एक रीजन है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लास्ट में जो रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी का क्लाइमेट चेंज तो जब सडन क्लाइमेट चेंज होता है यानी जब सडन आइस एजेस आती हैं या ग्लो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ते हैं तो जो हमारा बॉडी सिस्टम है या जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिस्टम है वो इन चेंजेस से एडजस्ट नहीं कर पाता तो इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है

Second, क्या है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑफ हैबिटेट हैबिटेट हमने ये भी पढ़ा था कि अभी लॉस और fragmentation की वजह से अब उनको अप्रोप्रियट अमाउंट uh, में रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है स्पीशीज में तो ये एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन है थर्ड हमने पढ़ा था कि इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज येस दिस ऑलसो लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म

a widespread monocultural practices in the agriculture and large-scale commercial farming with indiscriminate use of chemicals B. fear of possible collision of meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago c is large-scale cultivation of genetically modified crops in many parts of the world and promoting their cultivation in other parts of the world शन so, so, mass extinction. Mass extinction एक ऐसा टाइम पीरियड है जब स्पीशीज की एक्सटेंशन का रेट बहुत ज्यादा होता है बहुत ही लार्ज नंबर में मास एक्सटेंशन होने लगता है इसके मेन क्या क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज मीटराइट इम्पैक्टर टेम्परेचर हो सकते हैं मास मासन है वो जनरली बायोडाइवर्सिटी लॉस के साथ एसोसिएटेड होता है एक नेगेटिव इवेंट की तरह देखा जाता है बट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है एनवायरमेंट पे वो क्या वो ये ये स्पीशीज को अडप्ट करने में हेल्प करती है जो स्पीशीज बच जाती है वो पहले से एडवांस कॉम्प्लेक्स और बेटर होती हैं तो ये बेसिकली एवोल्यूशन प्रमोट भी करता है अगर हम पिछले 4.6 बिलियन इयर्स की बात करें तो उस इस टाइम पीरियड में फाइव मेजर मास एक्सटिंक्शन हो चुकी हैं वो क्या-क्या है वो है ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन पर्मियन मास एक्सटिंक्शन ट्राइसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन

इन टर्म्स ऑफ एर एराज फर्दर डिवाइड होते हैं पीरियड्स में epochs में और एजेस में सो दिस इज द डायग्राम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इससे हमें पता लगेगा कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं और कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है जियोलॉजिकल टाइम को तो सबसे पहले क्या होता है इन इन बेसिकली सबसे पहला इोन जो हम देखते हैं वो है हेडियन इोन तो इसमें क्या हुआ था अर्थ की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी अर्थ के जो फॉर्मेशन है एटमोस्फियर है वो बढ़ने लगा था सेकेंड इन जो होता है वो है आर्कियन

एरा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कुछ पीरियड्स में वो क्या है कैम्ब्रियन ऑडोविशियन सिलूरियन डेवोनियन कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन इसी टाइम पीरियड में हमारी मेजर एक्सटेंशन हुई हैं क्या क्या ऑडोवेंशियन एक्सटेंशन डेवोनियन एक्सटेंशन पर्मियन एक्सटेंशन ये तीन इस टाइम पीरियड की मेजर एक्सटेंशन है बट इस एक्सटेंशन के साथ साथ यहाँ पे लाइफ भी बहुत नई नई आने लगी है जैसे कि इसी टाइम पीरियड में आए थे फिशेस uh, इसी टाइम पे आई थी रेप्टाइल्स यही इसी टाइम पे आए थे तो ये जो है ये जो पेलियोजॉइक एरा है ये एक्सटेंशन के साथ भी एसोसिएटेड है और नई स्पीशीज की डेवलपमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है नेक्स्ट एरा क्या था मीजोजॉइक एरा तो इसमें क्या है? इसको फर्दर डिवाइड किया है हमने तीन पीरियड्स में

फर्स्ट एक्सटेंशन वाज ऑर्डोविशियन मास एक्सटेंशन ये कब हुआ था ये हुआ था पेलियोजोइक एरा में अराउंड 440 मिलियन ईयर्स अगो इसमें क्या हुआ था 85% ऑफ दैट दैट टाइम स्पीशीज वर एलिमिनेटेड इसका मेन रीजंस था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और क्लाइमेट चेंज मेजर एक्सटेंशन एक्सटेंशन। डिवोनियन तो इसका रीजन क्या ओशंस में. क्यों? में. तो में अब फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन कम हो गई थी जिसके कारण स्पीशीज की एक्सटेंशन बढ़ने लगी थी ओशन में तो ये मेजर रीजन था उसके अलावा क्या था मीटिस्ट स्ट्राइक्स टाइम पीरियड पे एटी परसेंट ऑफ स्पीशीज वर वाइप्ड आउट थर्ड मेजर मास एक्सटेंशन दैट इज दर्म एक्सटेंशन ये पिछली पांच मासन थी क्यों क्योंकि इस 96 पहले. इसके रीजन क्या है इसके रीजन है एस्ट्रॉइड स्ट्राइक्स वोल्केनिक एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज तो इसके अलावा जो कुछ और रीजन भी हो सकते हैं वो अभी भी सस्पेक्टेड कॉजे है ये इसके लिए हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यही रीजन है इसमें क्या हुआ था अराउंडी परसेंट ऑफ द आउट। और इसका मेजर रीजन क्या था इसका मेजर रीजन था वॉल्केनिक्लाइमेट चेंज तो इसी टाइम पीरियड पर हमारे प्लेट्यूज भी बने थे The sixth major mass extinction was Cretaceous Tertiary mass extinction. ये कब हुई थी? ये हुई थी at the end of Cretaceous period, around 65 million years पहले. तो इसमें क्या हुआ था? इसका major reason था asteroid और meteor impact के कारण बहुत सारी species मर गई थी. तो इस time पे around 75% species were wiped out. And जो so last sixth mass extinction है, जो कि अभी चल रही है, ये अभी खत्म नहीं हुई है, तो हम इसको पिछली पांच में नहीं गिनते. This is still evolving.

शन इज ऑफन मेशन इन दूस इन कंटेक्ट ऑफ द डिस्कशन हमें बताने की रिलेटेड है मोनोकल्चर प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर सेकेंड वॉज मीटियोराज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड फोर्थ वॉज ओवर एक्सप्लॉर्टेशन बाई मैन तो इसका आंसर क्या होगा डी दैट इज ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ मैन क्यों क्योंकि जो मास एक्सटेंशन सिक्स मास एक्सटेंशन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटेंशन और इसका मेजर रीजन क्या है Human activities.

तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो जूलियस फ्लोरा स्पीशीज स्पीशीज है है वो किस टाइप की है और उसका क्या इंपैक्ट होता है नेचर पे ये जो जूलियसमन इन्वेसिव स्पीशीज है अब इन्वेसिव स्पीशीज हमने पहले ही पढ़ लिया है वो वो स्पीशीज होती हैं जो कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस की जाए ह्यूमंस द्वारा या किसी और एक्सीडेंटल नेचर से प्लस उनका नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पे यानी कोई आउटसाइड स्पीशीज जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे वो होगी हमारी एलियन स्पीशीज अब पता कैसे चलेगा कि कोई स्पीशीज इन्वेसिव है या नहीं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट हाई डिस्पोजल एबिलिटी एबिलिटी टू सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट कंडीशंस तो ये सारी अगर किसी स्पीशीज में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो है इन्वेसिव स्पीशीज चीज हमें पता कैसे चलेगा कोई इन्वेस्टिव स्पीशीज है या नहीं उसके इफेक्ट देख के तो स्पीशीज जो जनरली होती है, वो उसके, उसकी के बाद, जो है उनका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा सेकेंड चीज क्या होगी वहां का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है हैबिटेट है उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी थर्ड थिंग क्या होगी क्योंकि वहां पे स्पीशीज कम हो रही है तो उस इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगेगी फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है वहां की जो क्रॉप यील्ड है जो वहां का सॉइल है उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी क्यों क्योंकि अब वहां पे पेस्ट और आ गए हैं इन फॉर्म ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज तो ये ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट जो है जूलिस फ्लोरा भी शो करता है तो वो क्या है इनवेसिव स्पीशीज सो फ्रेंड्स नाउ वी नो दैट जूलियस फ्लोरा जो है वो क्या है एक इन्वेसिव स्पीशीज अब जब भी आपको इन्वेसिव स्पीशीज पढ़े तो आपको उसके बारे में तीन चीजें पता होनी चाहिए फर्स्ट उसकी नेटिविटी सेकेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड थर्ड इफ इट हैज एन इम्पोर्टेंट फीचर या कोई भी उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो सबसे पहले जो हमारी प्रोसोबिस जुलीफ्लोरा है वो कहाँ की नेटिव है वो है मेक्सिको की नेटिव एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंडिया थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है इट इज एन एग्रेसिव कोलोनाइजर यानी एक बार किसी में आने के बाद उसका नंबर बहुत ही जल्दी प्रॉस्पर करने लगता है और जो वहां के लोकल इन्वायरमेंट है वो उसको डिग्रेड स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है इसके अलावा कुछ और कॉमन इन्वेसिव फ्लोरा स्पीशीज हैं वो क्या है टाउंस ग्रास जो कि नेटिव है वेस्ट एशिया की और वो बहुत ही कॉमन है रिवर रिवर बैंक्स में और स्ट्रीम्स में सेकेंड उसके अलावा कौन सी है कांग्रेस ग्रास या पार्थीनियम ग्रास ये नेटिव है नॉर्थ अमेरिका की और ये जनरली इंट्रोड्यूस हुई थी विद हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो हमने अमेरिका से इम्पोर्ट किए थे ड्यूरिंग नाइनटीन तो ये भी एक बहुत ही कॉमन वीड uh, है और एग्रेसिव कॉलोनाइजर है उसके अलावा और कौन सा इन्वेसिव फ्लोरा है बालसम वॉटर हाइसें धतुरा प्लांट ये भी बहुत ही कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कॉमन इनमें से वॉटर हाइसेंस है ये आपने सुना भी होगा कि जो कोलकाता की वेटलैंड्स हैं उस वो बहुत ज्यादा इससे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि उनकी ये अबंडेंट फ्लोटिंग वाटर्स जो हैं जो देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन जो नेटिव स्पीशीज हैं उनकी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं उसके अलावा और कौन कौन से हैं है नॉट ब्लैक मेमोसा लैंटेना कमारा नीडल बुश फोर ओ क्लॉक प्लांट ब्लैक वाटल गोटवीड प्रिकली पॉपी टॉडी पाम ब्लूमिया एरिया एंड ब्लैक वाटल ये थे कुछ कॉमन इन्वेसिव फ्लोरा अब हम देख लेते हैं कुछ इन्वेसिव फोना स्पीशीजिव हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है कैटफिश ये ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस से हुई है Africa की native है अफ्रीका की नेटिव ये स्पीशीज और अब ये सबसे पहले आंध्रा में इंट्रोड्यूस हुई थी उसके बाद अब ये सभी रिवर्स में पाई जाती है सेकेंड क्या है कॉटन बग थर्ड इज अफ्रीकन स्नेल उसके अलावा कौन कौन से है मैनाबर्ड गोल्डफिश पिजन डोंकी

सो फ्रेंड्स ऑल फॉर टुडे अब जाने से पहले आपके लिए छोटा सा एक होमवर्क क्यों क्योंकि प्रिलिम्स बहुत नजदीक है और हमें अपनी प्रिलिम्स की तैयारी को और अप करने की जरूरत है अब तो आज की तीन ऑर्गेनाइजेशंस क्या है जिनके बारे में आपको फाइंड आउट करनी है इन्फॉर्मेशन वो है क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड

जो पिछली ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने पूछी थी, या आपको था करने के लिए उनको भी आप कॉन्टीन रिवाइज करते रहे ताकि आप उन्हें भूले नहीं क्यों क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है ये एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर है बट ये जब पेपर में पूछी जाती हैं तो अगर आपको एक बार भी अगर आपने पढ़ा है या सुना है तो आपको ये जरूर याद रहेंगी सो फ्रेंड्स ऑल फॉर नेक्स्ट वीडियो